नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आज 12 नवंबर है। साल के 11वें महीने का ये 12वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। हर साल 12 नवंबर को निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 नवंबर 2009 को की गई थी, जिसका उद्देश्य विश्व भर में लोगों के बीच निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाना था। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण इन्फेक्शन है जिसके कारण फेफड़ों में द्रव या मवाद भर जाता है। इतना ही नहीं, बुजुर्गों में निमोनिया का बढ़ा हुआ स्तर जानलेवा भी हो सकता है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया। अतुल्य भारत भारतीय पर्यटन विभाग का एक अभियान है जो देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस अभियान का उद्देश्य है भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर पदोन्नत करना। हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता अमजद खान का आज जन्मदिन है। उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्म शोले में निभाया गया उनका किरदार सबसे ज्यादा यादगार रहा। 12 नवंबर 1940 को पेशावर में पैदा हुए अमजद खान के पिता जयंत भी कई फिल्मों में विलेन रह चुके थे। अमजद खान ने 1973 में हिंदुस्तान की कसम फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मदन मोहन मालवीय महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और एक बड़े समाज सुधारक भी थे। आज के दिन 12 नवंबर 1946 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय का वाराणसी में निधन हुआ था। मालवीय को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 24 दिसंबर 2014 को उनकी 153वीं जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।